राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों लक्ष्य सेन, सूरज पंवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत सिंह बिष्ट को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को डिजिटल माध्यम से धनराशि भी हस्तांतरित की। इस बीच बड़ी संख्या में सीएम धामी को सुनने के लिए खिलाड़ी पहुंचे। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम धामी ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से स्टेट हेड अविनीश जैन की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को बधाई देता हूं और हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाने वाला ये राष्ट्रीय खेल दिवस देश के महान नायक मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के साथ ही हमें भारत को खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनाने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी लगन से, मेहनत से, अभ्यास से लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनका पूरा जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। यदि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत की हॉकी टीम लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल लाकर लगातार देश का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए मैं हॉकी की हमारी पूरी टीम को एवं पेरिस में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से बधाई देता हूं।